हर बार रिजेक्ट हो जाता हूँ मैं। क्यों मैडम, कितनी बार रिजेक्ट किया आपने? मैंने इनसे पूछा कि भैया कब तक प्यार करोगे, तो बोलते हैं जब तक बीवी को पता ना चले। तो बता दूं, ये जो लाइफ बोल रही है हर दूसरी एंगल के साथ मेरे भावनाओं का ऐसा मजाक ही उड़ाती है। कहती है कितने लोगों को बोला, कोई एक बोल दे मैंने किसी और के लिए बोला है। जहाँ तक आज तो पब्लिकली हो गया, कोई और हीरोइन बोल दे मैंने कहा कि आप मेरी क्रश। जहाँ तक मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा क्रश कोई है ही नहीं, समझ रहे ना। और मैं आप लोग को बता दूं, ये जो लाइफ बोल रही है हर दूसरी एंगल के साथ मेरे भावनाओं का ऐसा मजाक ही उड़ाती है। कहती है कितने लोगों को बोला, कोई एक बोल दे मैंने किसी और के लिए बोला है। जहाँ तक आज तो पब्लिकली हो गया, कोई और हीरोइन बोल दे मैंने कहा कि आप मेरी क्रश। जहाँ तक मैं मैंने सारे हीरोइनों का सम्मान किया, कोई झूठ मेरे लिए नहीं बोलेगा। सब सच देख लीजिए। और आई लव यू। और ये क्रश कब से है? एक मिनट सर, ये क्रश कब से है? कब से है? पहली फिल्म देखी थी मैंने, एक और फौलाद। फौलाद 13 साल में आपने आज बोला इनको? नहीं, कई बार बोला, हर बार रिजेक्ट हो जाता हूँ मैं। क्यों मैडम, कितनी बार रिजेक्ट किया आपने? मैंने इनसे पूछा कि भैया कब तक प्यार करोगे, तो बोलते हैं जब तक बीवी को पता ना चले। बोलिए आपने नहीं बोला। अरे यार, तो रील था। ये रील था कि रियल था? ये रियल था, वो रील में बनाया था। थैंक यू। मैडम क्या सुन रहा हूँ मैं? ये ठीक है, उनकी भावना है मेरे प्रति, जिसका मैं सम्मान करती हूँ। 13 साल से इसी भावना के साथ में जी रहे हैं, हम चाहेंगे ताम्र इसी भावना के साथ जी रहे हैं। हे भगवान, क्या ये वनवास 14वें साल खत्म होगा? मैंने कहा ना, ताम्र ऐसे ही लगा उनको रहे हमसे, और क्या चाहिए। वो तो रहेगा ही, वो तो कभी नहीं खुलेगा। धन्यवाद। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? आखिरी दिन है, काफी मेहनत की आप लोगों ने। हम लोग बहुत एक्साइटेड है, अब देखते हैं रिजल्ट। और मैं चेक करने आई हूँ, इन लोगों ने सही मेहनत करी है कि नहीं। प्रवेश जी, सही मेहनत करी है कि नहीं करी है, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। हम साथ साथ हैं। सब प्लेटफॉर्म में जिन्होंने रिकमेंड कर रहा है देव को, अंजना जी रिकमेंड कर रही है देव सिंह को। नहीं बोला था ना, वो सेट पे सब बोल रहे होंगे, अंजना जी रिकमेंड कर रही है देव सिंह को। अच्छा, बीच में रिंकू जी का नाम आ गया, रिंकू जी रिकमेंड कर रही है। मतलब आपको अंजना जी रिकमेंड कर रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब ऐसा लोगों को लगने लगा होगा। तो अंजना जी रिकमेंड कैसे चुनाव प्रचार में आए आप? नहीं महाराज, मैं तो उदय जी के उस पर आया, उदय जी ने बोला आना है तो आना है। उदय जी को ना बोल सकते हैं क्या? उदय जी ने सिंह साहब बनाई थी भाई, ये बोलिए मत आप। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है। तो अंजना जी ये बताइए, डिलीट नहीं किया मैं थोड़ा क्लोज लिया, तो कैसे आना हुआ आज आपका? आज हम आजमगढ़ आए हुए हैं, हमारे को स्टार जुबली स्टार और माननीय सांसद श्री दिनेश लाल यादव जी के चुनाव प्रचार के लिए आज लास्ट है, आज रोड शो है। और पिछले 5 सालों में जैसे कि एक बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार है, उम्दा इंसान है, वैसे ही उन्होंने अपने आप को पिछले 5 सालों में प्रूफ किया है एक उम्दा नेता के तौर पे, और जो कि यहाँ आजमगढ़ की जनता उनके लिए दिखता भी है और उनके लिए बोलती भी है। तो वापस इस बार हम सभी लोग, हमारी पूरी इंडस्ट्री आई हुई है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो अब की बार मोदी सरकार इस बार 400 पार। देव जी, आप चुनाव प्रचार कर चुके हैं कल, कैसा अनुभव रहा पहले? बहुत अच्छा अनुभव रहा मुझे लगा कि पहले और 2-4 दिन पहले आप मुझे बुला लिया होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर, आया और कल प्रचार करने गया, और मैंने जो लोगों से बातचीत की है और जो लोगों का रुझान है वो देख के बड़ी खुशी हो रही है कि दिनेश जी इस बार फिर से जीतेंगे। और दिनेश जी से लोगों को उम्मीद है, एक्चुअली उम्मीद है, जो पहले के सांसद से नहीं होता था, पहले के विधायक से नहीं होता था। क्योंकि मैंने जितने लोगों से पूछा, खासकर